देखेंगे बॉलीवुड के माध्यम से हमारे सनातन धर्म को बार बार हमारी आस्था को चोट लगाना, सनातन धर्म का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। और हमारे जितने हिंदू समाज हैं, हिंदू धर्मावलंबियों की भावना को आहत करना सिनेमा के माध्यम से। पूर्व की चर्चा छोड़ दें, अभी पुनः आदि मानव नाम से एक पिक्चर बन रहा है, बना है। उस पे श्री राम को, माता सीता को, श्री हनुमान जी को, रावण को जिस प्रकार से चित्रांकन किया गया है, क्योंकि देखो भगवान तो कोई देखा नहीं, किंतु आदि काल से एक भगवान की जो छवि हम सबों के अंदर में एक बैठाई गई है, उसके मूल स्वरूप को तोड़कर, देवी देवताओं के स्वरूप को तोड़कर, उतना ही नहीं हनुमान जी ऐसा लगते हैं जैसा लग रहा है वो चंगेज खां और औरंगजेब है। रावण स्वयं है ऐसा जो रावण कहीं से दिखता नहीं। रावण का दहन करते हम एक प्रतीक के रूप में, अत्याचारी के रूप में, किंतु रावण एक उद्भट विद्वान महान पंडित थे, उनकी भी हम सम्मान करते हैं। तो रावण का भी जो चित्रांकन किया गया है वो तो लगता है कोई अरब देश का, कोई हमारा कोई वो कोई ऐसे ही कोई चंगेज खान आ गया है। इस प्रकार से उसकी दाढ़ी मूछ, उसके बालों की स्टाइल, पहनावा, ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल अक्षम्य लगता है, ये असहनीय हो रहा है। और जहाँ भी पिक्चरों में विरोधाभास की बातें आती है तो वहाँ वो पुराना सैफ अली खान, उसको तो आना ही है ऐसे फिल्मों में। वो रावण की भूमिका में है, वो रावण की भी ऐसी तैसी करके छोड़ा। तो जो भी इसके निर्माता, निर्देशक या जो पात्र हैं, घोर दोषी हैं। मुख्य उद्देश्य है आपसे इस संदेश का कि इस पिक्चर को यदि आपके अंदर में हिंदुत्व है, सनातनी हो, तो इसका बहिष्कार करें और शांतिपूर्ण मर्यादित ढंग से इसका विरोध भी करें। विरोध की आवाज़ उठनी चाहिए। इन विधर्मियों को न लगे कि हम सोए हुए हैं, हम अत्याचारी नहीं हैं, हम सड़क पर उतर के थाने नहीं जलाते, यूनिवर्सिटी नहीं जलाते, पत्थर नहीं चलाते, किंतु शांतिपूर्ण ढंग से, मर्यादित अनुशासित ढंग से विरोध तो जता ही सकते हैं। इसकी आवश्यकता है, इन्हें महसूस कराना होगा कि हम सोए नहीं हैं, हम नपुंसक नहीं हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।